हाँ, अब चालू हो गए। हरिओम नमस्कार, आज मैं एक और औषधि के साथ उपस्थित हूँ, भूलन जड़ी खोजने के साथ। अभी भूलन हमको नहीं मिला है, लगभग 12:30 बज चुके हैं और हमको मिल गए हैं मालकांगनी। तो ये आदिवासी को आपने वीडियो देखा है, एक जो घुंघरू कांदा जैसे एक जड़ी बूटी था उसमें, तो मैं इसकी कुछ औषधियां प्रयोग इसको पूछूंगा। इसको हिंदी नहीं आता, छत्तीसगढ़ी में बताएगा, उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो यह किस काम में आता है जी? ये हर कोई बीमार है, एकर तेल निकाल के पिए लगते, ओकर बीमार पूरा खत्म हो जाते। तो ये बताओ, यह कौन सी ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में यह मालकांगनी ज्योतिषमती काम आता है, और इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बात के देवा काम आते, और टीवी में काम आते, और ऐसे बहुत चीज में काम आते। तो ये बताओ, छत्तीसगढ़ी में तो आप पकड़े हो, इसको हिंदी में मालकांगनी और ज्योतिषमती कहते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए, तो इसको छत्तीसगढ़ी नाम क्या है जी? येला पेम कथे हैं। तो ये बताओ, लकवा में इसका कैसा प्रयोग होता है? लकवा में घलक अच्छे काम आते, का तेल निकाल के मालिश करे पड़ते। ये बोल रहा है इसका तेल निकाल कर मालिश करने से लकवा जैसे रोगों में काम आता है, क्योंकि ये थोड़ा तंत्र का भी ज्ञाता है और आयुर्वेद का भी अच्छा जानकार है। और इसके साथ साथ और कुछ औषधीय प्रयोग में और काम आता है? और ये में बहुत काम आते, कोई हाथ गोड़ पीरा है बहू में काम आते। तो दर्द में इसको किस तरह से इसका तेल का उपयोग किया जाता है? दर्द में थोड़ा थोड़ा मालिश करके थोड़े आंख दिखाई पड़ते छेना के आगे से। ये बोल रहा है दर्द में इसका तेल को लगा करके जो कंडा होता है, कंडा के आग जला करके उसमें सिकाई करने से दर्द को आराम होता है, ऐसे इसने बताया रहा है। तो क्या इससे बात प्रकोप जैसे रोगों का भी, जो लोगों का जो गठिया बात होता है उसमें भी, जिसको गाउट बोलते हैं, वो बीमारी भी ठीक होता है? हाँ, बीमारी भी ठीक होते, गठिया बात है आराम होते, फुलही बात है आराम होते। ये बोल रहा है गठिया बात मैंने गांठ गांठ में, और फुलही बात का मतलब ये हुआ जैसे सूजन आ गया होता है जिस दर्द के कारण, उसी कारण इसको बोला जाता है। इसी कोई और औषधि प्रयोग होता आप बताइए? ये बोल रहा है कुछ नहीं है करके, मैं अपनी वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम जय सिया। दिखा दूंगा कहना कहते बांध।